ग्राउंड वाटर के मुकाबले सरफेस वाटर में इम्प्योरिटीज अशुद्धियाँ ज़्यादा होती हैं, जिसे पीने के योग्य बनाने के लिए उसको ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। और यह ट्रीटमेंट का काम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कैसे होता है, इस वीडियो में यही सब बताया गया है। इस वीडियो में इंटेक पॉइंट से जो एंड पॉइंट होता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का, वहाँ तक की सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप दिखाई गई हैं। तो बस आप थोड़ा सा धैर्य रख के इस वीडियो को पूरा देखें, आपको एक एक बात आसानी से समझ आ जाएगी। ये है रॉ वाटर रिजर्वोयर, जहाँ पर कैनाल के माध्यम से पानी लाया गया है, और यह एक सरफेस वाटर पॉन्ड है जिसमें से पानी को ले जाया जाएगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर। तो आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये है इंटेक वेल। ये प्राइमरी स्टेप है। सबसे पहले हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की यदि बात करेंगे तो यहीं से शुरुआत होगी। यहाँ से पानी को लिफ्ट करके और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भेजा जाता है। तो इसके अंदर क्या क्या है वो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर लगे हुए हैं वर्टिकल पंप्स, जिनके माध्यम से पानी को पॉन्ड से उठाकर ट्रांसमिशन लाइन के जरिए भेजा जाएगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर। तो अब हम चलते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर। क्या कौन कौन से वहाँ पे प्रोसेस होते हैं, वो सारी बातें बाय फुटेज, ड्रोन फुटेज के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, ये है एरियल व्यू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का, जिसमें आपको दिखाई पड़ रहा होगा एक बड़ा, दो बड़े से पॉन्ड दिखाई पड़ रहे होंगे, उसके अलावा और छोटे पॉन्ड भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये क्या हैं ये हम नीचे चल के बात करेंगे, एक एक से आपको मैं रूबरू करवाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बड़ा सा आपको पॉन्ड दिख रहा है ये है क्लेरिफ्लुकोलेटर। ये एक्चुअली कैसे काम करता है, क्या इसकी बेसिक फंक्शनिंग है, वो मैं आपको पूरे वीडियो में आगे दिखाऊंगा। अभी हम देख लेते हैं बेसिकली क्या क्या स्टेप्स होते हैं, फिर हम प्रैक्टिकली सारे देखेंगे। अभी आपको फ्लो चार्ट पे मैं दिखा देता हूँ। ये इनलेट चैनल के थ्रू फ्लक्स फ्यूचर, ठीक है, फ्लक्स चल रहा है, इससे सीधा क्लेरिफ्लुकोलेटर में गया। क्लेरिफ्लुकोलेटर से ये चार बेड है, दो तीन चार, ठीक है, दो इधर थे दो इधर थे, उनमें से सीधा ये क्लियर वाटर निकल के चैम्बर में क्लोरिनेशन टैंक में गया। ठीक है, ये क्लोरिनेशन से सीधा सी डब्ल्यू आर में गया। ये सी डब्ल्यू आर से पीछे बाद में डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन, दो डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें निकाली थी। क्लेरिफ्लुकोलेटर से स्लज निकालता है, वो सीधा रिसाइक्लिंग टैंक में जाता है, ठीक है। फिर इसमें भी मिट्टी बैठती है, पानी ऊपर होता है ना, पानी तो बाहर, पंप लगे हुए इसमें भी। ये नीचे जो बैठता है स्लज, इसको थिकनर में डाल देते हैं, थिकनर से फिर ये जाएगा अपने सेंट्रीफ्यूज में, वहाँ पे केक बन के मिट्टी अलग हो जाएगी। थ्योरेटिकली हमने देख लिया, चलो अब दोस्तों हम प्रैक्टिकली विजिट कर लेते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की। यह है इनलेट पॉइंट और यहाँ पर लगा हुआ है फ्लो मीटर, जिसकी रीडिंग आप देख सकते हैं कितना फ्लो आ रहा है। और इसके बाद में इसकी यहाँ पर नापी जाती है पीएच, टर्बिडिटी वगैरह क्या क्या है। रॉ वाटर रिजर्वोयर से पानी के WTP में पहुँचते ही उसमें क्लोरीन और एलम मिला दी जाती है। एलम काम करती है फ्लॉकुलेंट का, जो कोएगुलेशन में मदद करती है। इससे क्या होता है कि रेत के कण या गंदगी या जो छोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं वो भारी होकर और नीचे बैठ जाते हैं पानी के। ये जो प्रोसेस आपको दिखाई पड़ रही है, ये मिक्सिंग चल रही है यहाँ पर, क्लोरीन और एलम की पानी के अंदर अच्छे से मिक्सिंग हो जाए, इसलिए ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की हुई होती है। इस क्लोरीन और एलम युक्त पानी को भेजा जाता है क्लेरिफ्लुकोलेटर में। इस स्ट्रक्चर में आपको दो सर्किल दिखाई पड़ रहे होंगे, एक आउटर सर्किल और एक इनर सर्किल। यह स्ट्रक्चर काम कैसे करता है, यह समझने के लिए सबसे पहले इसकी संरचना को समझना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि खाली अवस्था में यह कैसा दिखाई पड़ता है। इस तस्वीर में आपको दो टैंक दिखाई पड़ रहे होंगे, एक अंदर वाला टैंक एक बाहर वाला टैंक। जो अंदर वाला टैंक है इसमें नीचे इनलेट है, जो क्लोरीन एलम युक्त जो पानी है वो यहाँ पर नीचे से इसमें एंटर होता है,
उसके बाद में इस अंदर वाले टैंक के अंदर वो काफ़ी देर तक घूमता है क्लोरीन और एलम को पानी के साथ रिएक्शन करने का टाइम मिल सके। इस रिएक्शन के बाद जो गंदगी के पार्टिकल्स हैं, जो बारीक पार्टिकल्स हैं, वो भारी होने लगते हैं और भारी होकर उनका टेंडेंसी ऐसी हो जाती है कि वो नीचे बैठने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन अंदर वाले टैंक के अंदर नीचे से भी पानी आता रहता है तो इसलिए वो नीचे नहीं बैठ पाते और वो सब पानी निकल कर बाहर आ जाता है बाहर वाले टैंक में। बाहर वाला टैंक सेडिमेंटेशन का भी काम करता है, इसमें पानी स्थिर मात्रा में होता है तो गंदगी नीचे बैठती जाती है और पानी साफ होकर जो इसके सेडिमेंटेशन टैंक के, हम कहें फ्लोकुलेशन टैंक के चारों तरफ एक खाड़ी बनी हुई होती है, उसमें वी नॉच लगे हुए होते हैं और वो पानी वहाँ से, जो साफ पानी है वो वहाँ से बाहर निकल कर इकट्ठा होता रहता है। उसके लिए एक अलग से ड्रेन बना हुआ होता है, ट्रेंच बनी हुई होती है, जो मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊँगा। ये जो आपको ड्रेन दिख रहा है इसमें साफ पानी इकट्ठा होकर बाहर आता रहता है और जो अंदर पार्टिकल्स, जो गंदगी नीचे बैठी है, उसको इकट्ठा करने के लिए मशीन लगी हुई होती है। यह मशीन बहुत धीमे धीमे घूमती है और यह पूरे टैंक के चारों तरफ घूमती है, चक्कर लगाती है। इसके नीचे एक वेल्ड किया हुआ होता है, स्क्रैपर या ब्लेड, जो इकट्ठा करती रहती है गंदगी को और आउटलेट पर ले जाके वो छोड़ देती है। क्लैरी फ्लोकुलेशन टैंक से इकट्ठे हुए साफ पानी को आगे भेजा जाता है रैपिड ग्रेविटी फिल्टर तक। रैपिड ग्रेविटी फिल्टर में इसको और भी, इसके अंदर जितनी अशुद्धियाँ रह गई हैं उनको बाहर निकाला जाता है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया भी शामिल है। रैपिड ग्रेविटी फिल्टर को 24 घंटे में एक बार कम से कम साफ करना पड़ता है। इसमें होता कुछ नहीं है, बस सैंड होती है, ग्रेवल होते हैं, उन्हीं को जमाया होता है, उनमें से पानी छन कर निकलता है, तो वही फिल्टर बेड कहलाता है। इसको साफ़ करने के लिए यहाँ पर एयर प्रेशर का भी बंदोबस्त होता है, साथ में नीचे से वापस पानी इसमें डाल के इसको साफ़ किया जाता है। जब फिल्टर होता है तो पानी ऊपर से नीचे निकलता है और जब इसको धोना होता है तो नीचे से प्रेशर इसमें डाला जाता है। रैपिड ग्रेविटी फिल्टर से निकलने के बाद हमें प्राप्त होता है एकदम स्वच्छ पानी, साफ़ पानी। जो फिल्टर प्लांट में एंटर हुआ था उसकी टर्बिडिटी मैंने पहले आपको बताई थी, अब जो यहाँ से बाहर निकल रहा है उसकी टर्बिडिटी भी मैं आपको बताऊँगा। टर्बिडिटी का मतलब है मैलापन, उसमें कितनी सफाई उसकी हो चुकी है वो आप इसके माध्यम से देख पाओगे। जब इनटेक पॉइंट के माध्यम से पानी प्लांट में पहुँचा था तो उसकी टर्बिडिटी थी 20 FNU और अब जब पानी इसमें से निकल रहा है तो इसकी टर्बिडिटी रह गई है 4 FNU। कहने का मतलब है कि ये काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है और टर्बिडिटी को परमिसिबल जो लिमिट्स होती हैं हेल्थ के लिए, जो हानिकारक नहीं होती हैं, उसके अंदर ला के यहाँ से पानी को डिस्चार्ज किया जाता है वाटर सप्लाई के लिए। अब वाटर ट्रीटमेंट हो चुका है लेकिन एक भी पानी की बूंद वेस्ट ना जाए, इसके लिए जो कीचड़नुमा पानी निकला है फिल्टर प्लांट से या क्लैरी फ्लोकुलेटर से, उसको हम स्लज थिकनर के माध्यम से, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है कुआ टाइप, ये स्लज थिकनर है, इसके अंदर डाल के और सेंट्रीफ्यूगल पंप की मदद से मिट्टी और पानी को अलग अलग कर लेते हैं। पानी इन टैंक में इकट्ठा हो जाता है जिसे वापस फिल्टर प्लांट में भेज दिया जाता है और ये ट्रीटमेंट होके क्लियर वाटर में तब्दील हो जाता है। तो ये था दोस्तों पूरा सफ़र पानी का, इनटेक वेल से लेके रिजर्वोयर से लेके सरफेस वाटर, जो रिजर्वोयर मैंने बताया था वहाँ से लेकर और एंड पॉइंट तक, जो कि स्लज थिकनर के रूप में अपन जानते हैं, उसके दौरान एक भी पानी की बूंद को वेस्ट नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये था वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का सफ़र। कैसा आपको ये वीडियो लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने खूब एफर्ट लगाकर इसको वीडियो को और बेहतर बनाने की कोशिश की थी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज यहाँ पे पहले से अपलोड हैं और भी हम अपलोड करते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो उम्मीद है कि आपका प्यार यूं ही बना रहेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।